हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं राजस्थान वनपाल का रिजल्ट जारी हो चुका है। कुछ पोस्टों पर ये रिजल्ट था, हाई कोर्ट के द्वारा इसमें दखल देने के बाद में ये रिजल्ट जारी हुआ है। फायरमैन का भी रिजल्ट जारी हो चुका है, यानी वनपाल और फायरमैन का रिजल्ट जारी हो चुका है। फायरमैन की 120 सीटों पर आपकी जो रिक्त थी उनका रिजल्ट और वनपाल का रिजल्ट जारी हुआ है। कौन कौन का सिलेक्शन हुआ है, रोल नंबर बताए गए हैं, उस पर हमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर जो वनपाल और फायरमैन से संबंधित इन्फॉर्मेशन और प्राप्त करना चाहता है तो हमने एक ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में आपको फायरमैन से संबंधित और वनपाल से संबंधित वीडियो प्राप्त होते रहेंगे, जानकारी मिलती रहेगी जैसे जैसे और अपडेट आएगी। नंबर एक बार मैं व्हाट्सएप पर आपको बता देना चाहता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 8058813375। इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर सके। फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स सीधे चलते हैं। अधीनस्थ बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिस आया है और पहले देखते हैं क्या उसमें कितने का रिजल्ट आया है और क्या क्या प्रोसेस हुई है उसमें। तो फ्रेंड्स, वनपाल सीधी परीक्षा 2020 यानी वैकेंसी को लंबा टाइम हो चुका है, इसमें सीधे चलेंगे और एक बार देख लेते हैं। आदेश दिनांक 24/4/2024 में उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है और अतः वनपाल के पदों पर भूतपूर्व सैनिकों के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 11 अभ्यर्थियों की वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अंतिम रूप से चयन किया गया है। शेष दो पद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से रिक्त रखे गए हैं, यानी 11 दोस्तों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है। रो नंबर आपके सामने है, ये रो नंबर आपको दिए हुए हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। और अगर आपको वनपाल के ग्रुप में ऐड होना है तो व्हाट्सएप नंबर है, उन पर आप मैसेज कर देना फ्रेंड्स, उस ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फायरमैन के बारे में हम बात कर लेते हैं। फायरमैन को रिजल्ट को लेकर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष साहब के द्वारा कहा गया है कि उसमें फर्जी जो सर्टिफिकेट आप लोगों ने लगाए हैं, कई दोस्तों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाए हैं, उनकी जांच चल रही है। जैसे ही जांच कंप्लीट रूप से हो जाती है तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि जो अध्यक्ष साहब के द्वारा कहा गया है कि एक सर्विसमैन के द्वारा उसमें फर्जी फायरमैन का सर्टिफिकेट लगाया गया है जिससे उनकी जाँच चल रही है, और जैसे ही जाँच पूरी हो जाती है तो आपका जून तक आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आपको फायरमैन से संबंधित और वनपाल से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और व्हाट्सएप पर मैसेज देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स।